लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, ऐसे में राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां जोरों पर है। वहीं मऊ जिले के हिंदी भवन सभागार में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आगाज किया, जिसमें रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने विजय संकल्प रैली की शुरुआत की। इस दौरान जिले भर के कार्यकर्ता और नेताओं ने विजय संकल्प रैली में नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया। मुझे लगता है अनेक विचारशील लोग इस बात पर जब विचार करेंगे तो मेरी राय से सहमत होंगे कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री हुए होते तो शायद आतंकवाद का तंत्र आज यह देश नहीं खेलता। पीछे जो कुछ हुआ है आप सब जानते हैं, और आज जिस तरह से देश के विपक्षी दल जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा है वही भाषा हमारे विपक्षी दलों के नेता बोल रहे हैं। कांग्रेस के अनेक स्वनाम धन्य हो, चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हो, श्री कमलनाथ हो, श्री बी के हरिप्रसाद ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मिली भगत है। पुलवामा में हमला हमने पूछ के कराया था, आतंकवादियों को निमंत्रण दिया था कि आओ और सीआरपीएफ के बहादुर जवानों पर हमला करो। भारत आज दूसरा देश बन गया है दुनिया का जो दूसरे देश की सीमा में घुस करके लक्षित हमला कर सकता है। ये सामर्थ्य हमने पिछले 5 वर्षों में हासिल किया और आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान करने का दुस्साहस लोग कर रहे। लक्ष्मण नायक बना है तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को। आज से 4 साल 5 साल पहले यहां बैठे हुए लोग या अपने से कोई गंगा जल का आचमन नहीं करता था, और इलाहाबाद से मोटर बोट से बनारस आई है तो इसका भी श्रेय नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भारतीय राजनीति के 3 सबसे बड़े नाजुक हैं, वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद। मुझे लगता है कि हमारे और आपके अलावा हमारी पार्टी के अलावा कोई दूसरा दल इन तीनों रोगों को, तीनों बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं करना चाहेगा। पहला सवाल नेतृत्व का, आज हमारी पार्टी के पास जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी के रूप में, चुनौती से और गर्व से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कह सकता है कि पूरे विपक्ष में कोई नहीं है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला है। इन लोगों को एक आदत पड़ी हुई है, इनके खून में है कि देश की संवैधानिक संस्थाएं हमसे नीचे हैं, सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं, हम जो कहेंगे हमारा जो परिवार कहेगा वो सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनसे वो अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस मानसिकता से ये लोग राजनीति करते हैं। प्रार बनी थे कुलझन का दवाई बनी है, दवाई शुरू हो गई बाप किसी मामा भी आ गए लोगों ने कहीं क्या था लोग धारा के लोग वर्ग लिया जा रहा है तम उन गरीबन दूंगा तो हाथ दवा तो कहना कि जान जी हम तो कैसा सुघर जवाब देता नहीं कि नहीं के बोलती है बंद हो गई थी हमने क्या कहा था कहना कि चर्ची बच्चे हम चाय पी लें शुरू हो गई रहते हो कहने की देखो भाई 2.25 लाख का घर दे हमें मोदी, 2 लाख का दुर्घटना बीमा दे हमें मोदी, 2 लाख का सामान्य बीमा दे हमें मोदी, 12,000 का शौचालय दे हमें मोदी, 18,000 का मुफ्त में गैस दे हमें मोदी, और 5 लाख का आयुष्मान भारत में इलाज का सुविधा दे हमें मोदी। आज 23 सितंबर 12.5 लाख दे दें 10 महीना में 2.5 लाख से ज्यादा मिल गई तो एक गरीब और सामान्य आदमी और बिहारी वाजपेयी इस देश के फिर से प्रधानमंत्री हुए होते तो जो बात हम कहते हैं कि कैसरी सदी भारत की सदी है वो निश्चित रूप से पूरा हुआ होता। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, 2004 में यूपीए की सरकार आ गई, 10 साल में देश को इतना पीछे कर दिया कि 5 वर्ष के कठोर परिश्रम के बावजूद मुझे लगता है कि अभी 5 वर्ष और भारतीय जनता पार्टी को कठोर परिश्रम करना पड़ेगा तब एक ऐसी सदी भारत की सदी बनेगी। और लोग सोच रहे हैं गठबंधन करो, गठबंधन करके मोदी को रोको, और वो एक भोजपुरी की लाइन है कि सजनी हम हूं राजकुमार, सबके मन में इच्छा है कि हम ही बनेंगे प्रधानमंत्री। बेंगलोर में इकट्ठे हुए थे सब हाथ मिला करके
और अब देख रहे हैं कि उनका अंतर विरोध किस तरह से आ रहा है। तो चाहे कांग्रेस के शहजादा हो, बंगाल की दीदी हो, आंध्र प्रदेश के बाबू हो, या हम लोगों की बहन जी हो, सब चाहते हैं कि हम ही बन जाए। लेकिन इतना भय है मोदी जी का, इतना भय है भारतीय जनता पार्टी का, कि इस भय से सब परेशान है और इसलिए मिल रहे हैं। मैं बार बार विचार करता हूं कि आखिर मोदी जी ने ऐसी गलती क्या किया कि एक दूसरे को जो देखना नहीं चाहते थे आज रिश्तेदारी जोड़ दी। बहुत विचार किया। तो मुझे दो बात ध्यान में आई। एक, उन्होंने जो कह दिया कि न खाएंगे न खाने, यही गलती हो गई। और लग रहा है कि पाप रे पाप, अब क्या होगा। अभी तो मछली को पानी से बाहर निकालिए, दाना पानी न मिले तो क्या स्थिति होती है। तड़पा तड़पा उसी स्थिति में सांस थोड़ी रह गई है। बेचारे सोच रहे हैं कि नहीं इसमें आया मोदी तो जय जय सीताराम हो गए।